तो जितने भी टेरिस्ट्रियल ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैं जिसमें हमारे पास रेप्टाइल बर्ड्स और मैमल्स आते हैं इनमें फ़र्टिलाइजेशन इंटरनल होती है जबकि पीछे जो ग्रुप्स हैं जो हमारे पास एक्वेटिक हैं जैसे इसमें हमारे पास एम्फीबियंस हैं या फिशेस हैं उसमें मिक्स है उसमें कुछ में एक्सटर्नल है कुछ ज़्यादातर में क्या है ज़्यादातर में एक्सटर्नल है कुछ में इंटरनल भी मौजूद है तो इसलिए जब हम रेप्टाइल्स या बर्ड्स का जिक्र करें तो सिंपली उसकी जो फर्टिलाइजेशन होगी दैट विल बी एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन सॉरी दैट विल बी इंटरनल फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट इंटरनल या एक्सटर्नल हो सकती है इसमें तो इसका रेप्टाइल्स के लिए या बर्ड्स के लिए जो हमारे पास फर्टिलाइजेशन विल बी इंटरनल फर्टिलाइजेशन अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए बताया गया कि नॉर्मली जो एग्स हैं दे आर प्रोड्यूस ओवरी ओवरीज के अंदर प्रोड्यूस होकर वो ओविडक्ट में ट्यूब है जिसके अंदर से एग मूव करता है स्पर्म जो है इट द एग स्पर्म ने क्या करना है कि मूव करके एग के उस ओवरी के ऊपर वाले हिस्से में पहुंचना है इसलिए सॉरी ओविडक्ट के ऊपर वाले हिस्से में पहुंचना है इसलिए कि ओविडक्ट का जो निचला हिस्सा है जब एग यहाँ पहुँचा तो उसके शेल बन जाएगा अब जब एग के ऊपर शेल बन जाएगा तो फिर उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी इसलिए स्पर्म्स जो है उसके लिए ज़रूरी है कि वो मूव करके ओविडक्ट के ऊपर वाले हिस्से में जाए और एग को फर्टिलाइज करे एग वैसे जो एग की फर्टिलाइजेशन करने के लिए स्पर्म जब वो ऑलरेडी मोटाइल होता है उसके बाकायदा उसके पास एक टेल मौजूद होती है अब कहते हैं कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिसके अंदर स्पर्म स्टोर करने आम स्पर्म की आमतौर से उनकी लाइफ कम होती है कि वो शॉर्ट टाइम के लिए सर्वाइव करते हैं और फॉर फ्यू आवर्स जो है वो या फ्यू डेज़ जो है वो सर्वाइव करते हैं उसके बाद जो है जब उसकी स्पर्म जो है वो एक्टिव नहीं रहता वो इनएक्टिव हो जाता है कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिसके अंदर जो फीमेल्स जो हैं वो स्पर्म को फॉर लॉन्ग टाइम स्टोर कर सकती हैं यानी वो एक दफ़ा मेटिंग होगी मेटिंग होने के बाद क्या होगा कि मेल और फीमेल करीब आए मेल ने अपने स्पर्म डोनेट कर दिए फीमेल को तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिसमें फीमेल्स उन स्पर्म्स को स्टोर कर लेती हैं जैसे आप टर्टल के एग्जाम्पल देखते हैं टर्टल में सिक्स फोर ईयर्स तक चार साल तक जो फीमेल टर्टल है वो स्पर्म को स्टोर करके रख सकती है इस तरह से कुछ स्नेक्स ऐसे हैं जिसमें सिक्स ईयर तक क्या किया था स्पर्म्स को स्टोर करने की सलाहियत है अब सिक्स ईयर स्टोर करने का मतलब ये है कि वो हर साल जब भी उसने एग ले करने होंगे तो एग जो है वो स्पर्म जो है उस एग की फर्टिलाइजेशन कर देगा तो इस तरह से ये फिनोमेना जो था वो स्पर्म्स कैन बी स्टोर फॉर लॉन्ग टाइम नेचर ऑफ़ एग फॉर रेप्टाइल्स एंड द बर्ड्स अच्छा रेप्टाइल्स के लिए पहले हम देखें तो में कुछ रेप्टाइल्स ऐसे हैं जिनका एग के ऊपर हार्ड शेल नहीं होता एक लेदरी सा होता सॉफ्ट शेल होता है लेकिन कुछ रेप्टाइल्स ऐसे हैं जिसमें बड़ा हार्ड शेल भी मौजूद होता है तो जबकि बर्ड्स जितने भी हैं सब के कैलकेलियस शेल होता है यानी कैल्शियम कार्बोनेट का शेल उनके ऊपर मौजूद होता है अच्छा जो शेल्ड एग्स हैं उसका बेनिफिट ये होता है कि वो ए, एक तो एग को प्रोटेक्ट करता है यानी उसकी छल की वजह से एग जो है उसकी मैकेनिकल डैमेज उसको बचाएगा इसके अलावा एग के अंदर रेप्टाइल और बर्ड के एग्स के अंदर तीन मेम्ब्रेंस होती हैं जिनको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं इज़ अ कोरियन एलनटॉइस और एमनियन कोरियन एमनियन एंड एलेंटॉइस अब ये तीनों मेम्ब्रेन जो होती हैं ये बेसिकली इनका जो फंक्शन होगा वो एग की प्रोटेक्शन करना एग को डेसिकेशन से बचाना स्पेशली एमनियन जो है इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूड होता है वो एम्यूटी फ्लूड बेसिकली उसके अंदर एम्ब्रियो क्या करता है फ्लोट करता रहता है जो यंग वन डेवलप हो रहा होता है वो एक लिक्विड के अंदर एमिनियन का जो फ्लूड उसके अंदर फ्लोट कर रहा था तो उसे ड्राई होने से बच जाता है वो एलोटाइस आमतौर पर गैशियस एक्सचेंज के लिए यूज होती है ब्रीडिंग इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स अच्छा कहते अच्छा अच्छा हैं कि ब्रीडिंग कब होती है कब ये फर्टिलाइजेशन के लिए कब एक दूसरे के करीब आते हैं रेप्टाइल्स के अंदर आमतौर पर रेप्टाइल्स आपको पता है दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स तो जब विंटर सीजन आता है तो वो हाइबरनेट करते हैं रेप्टाइल्स की हाइबरेशन से होती है आम तौर पर रेप्टाइल कोई ऐसी सेफ प्लेसेस के ऊपर सारे के सारे रेप्टाइल्स खास आस के ग्रुप की फॉर्म में इकट्ठे हो जाते हैं अब बहुत सारे स्नेक्स हो गए या जितने भी रेप्टल जब इकट्ठे एक जगह पर हो जाते हैं किसी केव के अंदर या किसी ऐसी सेफ प्लेस के ऊपर तो हम कहते हैं ये हाइबरनेकुला बन गया उनका ठीक है एक बड़ा ग्रुप है हाइबर निकुला जिसका हाइबर उस हाइबरनेकुला के अंदर क्या होता है फिर उनके आपस में जो वो मीटिंग होती है और देख जो है उसको कह सकते हैं कि उसकी जब वो ब्रीडिंग होती है मेटिंग हो जाती है स्पर्म फीमेल को ट्रांसफर हो जाते हैं ड्यूरिंग विंटर लेकिन वो स्पर्म्स एग्स की फ़र्टिलाइजेशन तब करेंगे जब स्प्रिंग सीजन शुरू होगा तो स्प्रिंग सीजन में फिर क्या होगा स्पर्म्स एक्टिवेट होकर एग्स की फर्टिलाइजेशन करेंगे और उसके बाद आगे जो हो जंग वन प्रोड्यूस होंगे बर्ड्स के अंदर जो ब्रीडिंग सीजन है वह है मार्च अप्रैल का यानी कि हमारे पास जो स्प्रिंग सीजन है जैसे अक्सर आप देखते हैं चिड़ियाँ घोंसले बना रहे होते हैं परिंदे जो होते हैं वो चहचा होते हैं या ज्यादा परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं वो बेसिकली ये क्या ये उनको ब्रीडिंग और कोर्टशिपशेप बिहेवियर को शो कर रहा होता है कि नाउ दे आर गोइंग टू रिप्रोड्यूस कोर्टशिप बिहेवियर कोर्टशिप बिहेवियर अगर हम रेप्टाइल्स के देखते हैं इट इज मोर कम्पलेक्स आमतौर पर जब आपको रेप्टल्स होते हैं जो मेल होता है इट एक्टिवली सर्च फॉर द फीमेल यानी जब ये, ये रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं तो फिर ये क्या करेंगे इट्स सर्च फॉर द फीमेल और कोर्टशेप बिहेवियर के बेनिफि में अगर हम देखें तो इसके दो तीन बेनिफिट इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स में कोर्टशेप बिहेवियर की वजह से सेफ प्लेसेस मिलती हैं रिप्रोडक्शन के लिए जो पोटेंशियल फीमेल है उसको रेकोगनाइज़ किया जाता है उसको मेल रेकगनाइज कर सकता है कि वो जो जो उसमें अब कहते हैं कि रेप्टाइल्स के अंदर अगर हम देखें तो इसमें इंपॉर्टेंट है जो टेक्टाइल्स स्टिमुलस हैं आमतौर पर जैसे स्नेक्स हैं तो जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो एक दूसरे के ऊपर जो है क्या होता है कि एक दूसरे के रैप को हो जाते हैं एक मेल फीमेल जो है वो तो एक वो एक दूसरे से जब रगड़ होगी बेसिकली वो एक दूसरे को तैयार कर रहे हैं फॉर द रिलीज ऑफ यानी रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए क्या कर रहे हैं उसको तैयार कर रहे होते हैं बर्ड्स के अंदर जो कोर्टशिप बिहेवियर है वो आमतौर तो पर टेरिटोरियल की फॉर्म में हमें बिहेवियर होता है कि बर्ड्स एक खास टेरिटरी के अंदर किसी दूसरे मेल को नहीं एंटर होने का एक मेल है वो एक खास दर के दरख के ऊपर या किसी हर जगह के ऊपर चहचहा रहा होता है आवाज़ें निकाल रहा होता है और वहाँ कोई दूसरा मेल जो है वो नहीं आ सकता हाउ एवर दैट इज़ अट्रैक्टिव प्लेस फॉर द फीमेल्स तो जो फीमेल जिसने रिप्रोडक्शन करने के लिए जो तैयार होते हैं ही कम्स देयर उसके बाद वो आपस में कोर्टशिप बिहेवियर करेंगे रिप्रोडक्शन करेंगे यानी कि फर्टिलाइजेशन करेंगे जिसके एग ले करेंगे उसके बाद यंग वान्स की केयर करेंगे कहते हैं कि बर्ड्स के अगर आप देखें नाइन्टी परसेंट तक बर्ड्स वो हैं जो मोनोगेमस हैं मोनोगेमस का मतलब यह है कि एक बर्ड एक ही फीमेल के साथ गुजारा करता है यानी मेल एक बर्ड एक ही फीमेल के साथ सारी लाइफ गुजारता है ऐसा नहीं है कि आपस में एक बर्ड्स जो है मेल जो है एक सीज़न में एक फीमेल के साथ दूसरे सीजन में दूसरी फीमेल के साथ नहीं दे आर हैविंग द पेयरिंग बड़ी स्ट्रॉग पेयरिंग होती है उसका बेनिफिट यंग वर्ण्स को होता है जब मेल फीमेल की आपस में पेयरिंग होगी तो यंग वर्नस की केयरिंग जो है वो उनको ब्रॉटअप करने के लिए अच्छा दोनों केयर मिले तरफ से केयर मिलेगी इसलिए बर्ड्स के अंदर जिनमें स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होती है यानी जो मोनोगेमस होते हैं उनके यंग वर्नस की केयर ज़्यादा होती है मेल और फीमेल दोनों उसकी केयर करते हैं तो यंग वर्नस को ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है आमतौर पर जो पोलीगे में वो होती हैं जिसमें जो स्ट्रॉग पेयरिंग नहीं है मेल और फीमेल की सेम पेयरिंग नहीं है तो इस केस में आमतौर पर जो उनके यंग बर्ड्स होते हैं उनको ज़्यादा पेरेंटल केयर की ज़्यादा जरूरत भी नहीं होती है ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कोर्ट शेफ़ बिहेवियर शो किया जा रहा है कि मेल बर्ड्स है मेल बर्ड्स का आप देख सकते हैं कि उसमें एक डांस द मेल बर्ड इज डांसिंग जबकि इसकी को जो फीमेल्स हैं दे आर अट्रैक्टेड टू दैट मेल तो मेल को एक के डांस की वजह से इसके कोर्ट शेफ़ बिहेवियर की वजह से क्या हो रहा है कि फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं डिवेल्पमेंट डिवेलपमेंट की अगर हम बात करें रेप्टाइल्स में डेवलपमेंट एक्सटर्नल है चंद एक रेप्टल्स हैं जिसमें जैसे स्नेक्स हैं उसके अंदर इंटरनल डिवेल्पमेंट होती है एग्स को बॉडी के अंदर रखा जाता है जबकि अक्सर केसेस में एग्स ले कर दिए जाते हैं बर्ड्स जितने भी हैं सब के अंदर डिवेलपमेंट एक्सटर्नल है सारे के सारे बर्ड्स जो हैं वो ओ वी यानी एग लेंगस हैं रेप्टाइल की अक्सरियत ओ वी है चंद एक कैसे जिनको ओवीवीवी पैरस कहते हैं ओवो वीवी का मतलब है कि एग्ज उनके बॉडी के अंदर ही रहते हैं वहीं से हैच आउट होकर यंग वन बाहर निकलेगा